Hi guys, this is Suraj Raj Madhwani and you are watching Cocktail Culture. आज हम लोग आए हुए हैं सेंट्रल पार्क में. अभी सुबह के 6 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुझे काफी सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं. आइए इन लोगों से जानते हैं कि योगा बेटर है या फिर जिमिंग बेटर है. आजकल युवा वगैरह हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, और योगा भी करते हैं कई लोग. तो आपकी नजर में क्या बेटर है, योगा या फिर जिम? देखिए, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से जिम जा सके जिम जाए, योगा. मैं एक दूसरा योगा मानता हूँ. कैसे मानते हैं? आप घर में आपके 4 नौकर होंगे, पलंग से उतर के अगर आप अपनी चादर की घड़ी करके और उसको तय करके रख देते हैं, ये भी एक योगा है. क्या है साहब, ये योगा की बात मैं बताऊँ आपको. योगा में सुबह उठाया जाता है, सुबह करो, ये करो, हाथ पैर हिलाओ. कुल मिला के बात यह, आदमी सुबह उठेगा और हाथ पैर हिलाएगा, चाहे बाबा रामदेव के कहने से हिला ले, चाहे स्कूल पीटी टीचर के हिसाब से हिला ले या मिलिट्री के कोच के हिसाब से हिला ले. शरीर को फायदा होना ही होना है. मैम, आपको क्या लगता है, योगा इज बेटर और जिम? योगा. बिल्कुल, आई थिंक योगा. योगा बेटर है, क्यों? बिकॉज जिमिंग का ड्रॉबैक ये होता है कि हम जब छोड़ देते हैं ना, तो वापस हम वापस बैक टू अपनी वो वाली शेप पे आ जाते हैं. तो योगा ऐसा है, वो कंटेंट रहता है और आगे तक वो रहता है. सुबह उठेगा, इसका मतलब शाम को जल्दी सोएगा, और सुबह जब हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, किसी भी तरह से हिलाएगा, तो बॉडी में एक्सरसाइज होगी, ब्रीदिंग होगी, फायदा तो होगा ही होगा. आप अपना कप ले जाके धोके और मार के रख देते हैं, ये भी एक योगा है. एक्चुअली आई कीप स्विचिंग. अगर मैंने 3 महीना योगा किया है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आई विल डू जुम्बा, मे बी स्विमिंग, मे बी जिम, बिकॉज आई कांट स्टिक टू वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज और वन सॉर्ट ऑफ रूटीन. योगा. और क्यों? मैं कभी जिम में गया नहीं तो मेरे को जिम का आइडिया नहीं है. जिमिंग ऐसा होता है कि थोड़े टाइम बाद अगर जिम छोड़ दिया तो फिर वापस से वैसी ही हेल्थ हो जाती है. योगा से अपन ऑल टाइम फिट रहते हैं. समझे ना, आप वो काम तो करें नहीं और 4 नौकर रख लेंगे, तो 4 नौकर आपको ऊपर पहुंचाने के लिए तो ठीक है, वो काम आएंगे. समझे? पर हाँ, लेकिन ये छोटे छोटे काम है. आप घास में बैठे हैं, अचानक दिखता है 10-15 जो है वो खरपतवार आ रही है और आपने उसमें से झुक के उठा लिया, वो भी योगा है. ऐसा रूटीन नहीं बन पाता, दर्द होने लग जाता है, लेकिन योगा से क्या होता है ना, मतलब माइंड एकदम फ्रेश रहता है. मैं योगा को इसीलिए प्रेफर करूँगी क्योंकि एक तो नेचुरल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी गॉड ने हमें कुछ ना कुछ चीज़ दी है, तो अगर हमारे पास योगा है तो हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ पर क्यों जा रहे हैं. हम योगा से हमारी पूरी बॉडी सही रहती है, हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. जस्ट लाइक अगर हम जिम में जाते तो हम वहाँ पर बहुत लोग स्टेरॉइड या फिर प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं जो बाद में उनको नुकसान पहुँचाते हैं. क्योंकि जिम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, योगा में नहीं करनी पड़ती. अदरवाइज़ जो मैं भी पहले जिम जाता था तो आई डिडंट एंजॉय दैट मच. यहाँ पर जिम जो भी कुछ है एंजॉय करते हैं और ओपन एरिया में है, तो आई एंजॉय मोर हियर. क्योंकि जिम से है ना, आपको मतलब एक होता है ना, जिम में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, और योगा जो है ना वो आपको इंटरनली भी शांति मतलब देता है, अच्छा रहता है योगा ज़्यादा. ओके, तो जिम में मेहनत करनी पड़ती है. हाँ. अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ मेहनत से बड़ा कतराते हैं, ऐसे बैठे बैठे हो जाए सारा कुछ. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद ने भी जिम कर रखी है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जिम में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर कोई इसे इजीली नहीं कर पाएगा. और योगा आपको सिर्फ फिजिकली फिटनेस नहीं देता, इंटरनली भी आपके लिए योगा बेटर है. ये पॉइंट पकड़ा है आपने, योगा जो आपको अंदर से भी हील करता है. हाँ. दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है. योगा में जैसे करवाते हैं तो पहले वार्म अप करवाते हैं, वो उसमें सारी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग वगैरह सारी होती है. तो योगा पहले स्ट्रेचिंग वगैरह वार्म अप होकर करना चाहिए, वो जिम वाले कराते हैं, दोनों एक साथ जरूरी है. वो श्वसन क्रिया है योगा की, और जिमिंग में श्वसन क्रिया नहीं होती है, श्वसन से इंटरनल जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ती है. जिम बेटर है, दोनों अपनी जगह सेम, दोनों अपनी जगह बेटर है, दोनों अपनी जगह बेटर है. आपको क्या लगता है? मैं तो गेम करता हूँ भैया, तो गेम बेटर ज्यादा लगता है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर. ऐसा लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जिम अच्छा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट. If you have to find a proper trainer and according to your body he'll suggest what is to be done. जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य से सारे ग्रह आपके सूर्य राजा है, और जब राजा के साथ आपका तालमेल बैठ जाता है तो आप देखिए कि और ग्रह सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. जैसे फिटनेस सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एज का हो. फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कीप्स अ माइंड एंड बॉडी बोथ इन अ प्रॉपर कंडीशन.
और सबको करना चाहिए। आप 10 में से कितने मार्क्स देंगी योगा को और कितने जिम को? मार्क्स तो आई डोंट नो, बट फॉर एन एमेच्योर योगा इज़ बेस्ट बिकॉज उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे मोस्टली, एंड जिम में अगर आपको इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना आता तो उससे इंजरीज भी हो सकती हैं, सो फॉर अ ले पर्सन आई थिंक योगा इज़ बेटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू कि एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर की देखरेख में ही जिमिंग करनी चाहिए, योगा से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो इमेच्योर कोई भी है नया नौसिखिया वो कर सकता है योगा? योगा बहुत अच्छा रहता है, जिम मैं भी नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि जिम से वापस ही वजन वहीं ही आता है। योगा, योगा बेटर है। मैम आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है? हाँ, योगा एंड वॉक। योगा एंड वॉक, अच्छा जिमिंग बेटर क्यों नहीं है और योगा बेटर क्यों है? जिमिंग में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें आप मशीन से करते हो, आप मशीनें आपको करती हैं, वॉक कर रहे हैं तो वॉक में आपकी पूरी बॉडी भी है, फ्रेश एयर भी मिल रही है, योगा है योगा में आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, तो मेरे हिसाब से तो योगा और वॉक ही अच्छा है। ओके सर, योगा क्यों? वही मेन तो फ्रेश एयर भी है जी, आज अपन जिम में जाते हैं तो वही एसी में फिर वही एक्सरसाइज करना, योगा में सारी एक्सरसाइज भी होती है, फ्रेश एयर भी मिलती है। चलिए सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा।